भारत की पहल पर 15 कैरिकॉम देशों के नेताओं की न्यूयॉर्क में हुई बैठक, द्विपक्षीय और क्षेत्रीय संबंधों को और मजबूत करने पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जोर। अयोध्या मामले में मुख्य न्यायाधीश रंजन गोगोई ने कहा, 18 अक्टूबर तक बहस खत्म करे पक्षकार, 18 अक्टूबर के बाद नहीं बढ़ाया जाएगा बहस का समय, बहस के बाद 4 सप्ताह लगेंगे फैसला लिखने में। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 3 तलाक पीड़ित महिलाओं को सालाना 2,500 रुपए की आर्थिक सहायता देने की घोषणा की, कहा दूसरी शादी करने वाले हिंदू पुरुषों पर भी होगी कार्यवाही। और केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री हर्षवर्धन ने टीबी हारेगा देश जीतेगा अभियान की शुरुआत की, कहा टीबी उन्मूलन के लिए बेहतर काम करने वाले राज्यों को किया जाएगा सम्मानित। नमस्कार, मैं हूं पवन निगम और अब समाचार विस्तार से। कैरेबियाई देशों के साथ भारत के ऐतिहासिक और गहरे संबंधों को नई गति प्रदान करते हुए न्यूयॉर्क में भारत कैरिकॉम नेताओं की पहली बैठक हुई। संयुक्त राष्ट्र सभा के वार्षिक सम्मेलन से इतर हुई इस बैठक में 15 कैरिकॉम देशों के नेताओं ने हिस्सा लिया। बैठक का आयोजन भारत की पहल पर हुआ। इस मुलाकात में रिश्तों को नई ऊंचाइयों पर ले जाने का संकल्प था, साझा चुनौतियों से मिलकर लड़ने की प्रतिबद्धता थी, आर्थिक और सांस्कृतिक संबंधों को पहचान देने का विचार था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पहले भारत कैरिकॉम के सम्मेलन में कैरिबियाई समुदाय के नेताओं से मुलाकात की। सेंट लूसिया के प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में हुई इस बैठक में भारत और इन देशों के बीच न सिर्फ द्विपक्षीय बल्कि क्षेत्रीय संदर्भ में भी लगातार गहरे हो रहे संबंधों पर जोर दिया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने क्षमता निर्माण, विकास में मदद और आपदा प्रबंधन में सहयोग के लिए साझेदारी बढ़ाने पर भी बल दिया। साथ ही उन्होंने कैरिकॉम देशों को अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन और आपदाओं से निपटने के लिए प्रस्तावित ढांचे में शामिल होने का न्योता भी दिया। प्रधानमंत्री ने समुद्री तूफान डोरियन से हुई तबाही और बहामास में हुए नुकसान पर गहरा दुख जताया। इस तबाही से राहत के लिए भारत ने 10 लाख अमेरिकी डॉलर की त्वरित मदद दी है। प्रधानमंत्री मोदी ने कैरिकॉम देशों के साथ भारत के राजनीतिक, आर्थिक और सांस्कृतिक संबंधों को और विस्तार देने की अपनी प्रतिबद्धता दोहराई। भारत और कैरिकॉम नेताओं की यह पहली बैठक एक महत्वपूर्ण पहल है। हमारे देश क्लाइमेट चेंज और सामाजिक आर्थिक विकास से जुड़ी चुनौतियों जैसे गरीबी उन्मूलन आदि का सामना कर रहे हैं। आज की बैठक का फोकस कैरिकॉम देशों के साथ भारत की भागीदारी को अतीत के अनुभव, वर्तमान की आवश्यकताओं और भविष्य की आकांक्षाओं के अनुसार एनर्जाइज करना। कैरिकॉम नेताओं ने प्रधानमंत्री मोदी द्वारा की गई पहल का स्वागत किया और इन प्रयासों पर पूरा समर्थन देने का आश्वासन भी दिया। दोनों पक्षों के बीच सहयोग के संभावित क्षेत्रों की पहचान के लिए एक संयुक्त कार्यबल गठित करने का भी निर्णय लिया गया। As you've outlined many of the common issues that we have to confront on a global and geopolitical basis. प्रधानमंत्री ने कैरिकॉम सामुदायिक विकास परियोजनाओं के लिए 14 मिलियन अमेरिकी डॉलर के अनुदान और सौर नवीनीकरण ऊर्जा और जलवायु परिवर्तन से संबंधित परियोजनाओं के लिए 150 मिलियन अमेरिकी डॉलर की ऋण व्यवस्था की भी घोषणा की। उन्होंने गुयाना के जॉर्जटाउन में क्षेत्रीय सूचना प्रौद्योगिकी उत्कृष्टता केंद्र की स्थापना और बेलिज में क्षेत्रीय व्यावसायिक प्रशिक्षण केंद्र की स्थापना की भी घोषणा की, जो इन देशों में भारत द्वारा वित्त पोषित मौजूदा केंद्रों को अपग्रेड कर तैयार किए जाएंगे। प्रधानमंत्री ने कैरिकॉम के एक संसदीय प्रतिनिधिमंडल को भारत आने का निमंत्रण भी दिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ब्लूमबर्ग ग्लोबल बिजनेस फोरम को मुख्य वक्ता के तौर संबोधित किया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि देश में कॉरपोरेट टैक्स घटाना एक ऐतिहासिक कदम था और यह तो अभी एक शुरुआत है, अभी बहुत काम बाकी है। संयुक्त राष्ट्र महासभा के सम्मेलन से इतर हो रहे ब्लूमबर्ग ग्लोबल बिजनेस फोरम में कई बड़ी कंपनियों के सीईओ और सरकार के प्रमुख सचिव प्रमुख शामिल हुए। वैश्विक स्थिरता की बहाली शिखर सम्मेलन का मुख्य एजेंडा रहा।
If you want to invest in a market where there is a scale, come to India. Invest in startups, come to India. If you want to invest in one of the world's largest infrastructure ecosystem, invest in urbanization, come to India. If you want to make in India, for India and for the world, come to India. बुधवार को पीएम मोदी निवेशकों को लुभाने के लिए ब्लूमबर्ग ग्लोबल बिजनेस फोरम में मुख्य वक्ता के तौर पर शामिल हुए। कई बड़ी कंपनियों के सीईओ और सरकार के प्रमुख शामिल हुए। प्रधानमंत्री ने सरकार के आर्थिक सुधारों के बारे में जानकारी दी और कहा कि उनकी सरकार कारोबार जगत का सम्मान करती है और कारोबार के लिए कड़े और बड़े फैसले करती है। उन्होंने कहा कि सरकार ने हाल ही में कॉर्पोरेट टैक्स कम करने के लिए फैसला लिया है, जो निवेश बढ़ाने के लिए क्रांतिकारी और ऐतिहासिक फैसला है। अभी कुछ दिन पहले ही हमने कॉर्पोरेट टैक्स में भारी कमी करने का फैसला लिया है। ये निवेश के स्तर से बहुत क्रांतिकारी कदम है और इस फैसले के बाद मेरी बिजनेस वर्ल्ड में के जितने भी लोगों से बात हुई, जिनसे भी मुलाकात हुई, वो इसे बहुत ही ऐतिहासिक कदम मानते हैं। पीएम ने कहा कि सरकार ने देश को $5 ट्रिलियन इकोनॉमी बनाने का लक्ष्य रखा है। कारोबारियों को निवेश के लिए आमंत्रित करते हुए पीएम ने कहा कि सरकार ने जो कदम उठाए हैं वो तो अभी शुरुआत है, लंबा समय बाकी है। Our people are defeating poverty, moving up the economic ladder with increasing purchasing power. Thus, if you want to invest in a market where there is a scale, come to India. Our middle class is a huge segment of people who are aspirational. Thus, if you want to invest in a market where the latest trend and futures are appreciated, come to India. प्रधानमंत्री ने सरकार के कामों को गिनाते हुए कहा कि मई में नई सरकार बनने के बाद विकास में बाधा बन रहे 50 से ज्यादा पुराने कानूनों को समाप्त किया गया, रक्षा क्षेत्र निवेश के लिए खोला गया है, गरीबों के लिए सरकार घर बना रही है, जो दुनिया भर में इस तरह की सबसे बड़ी योजना है। आने वाले सालों में 100 लाख करोड़ रुपए आधुनिक बुनियादी ढांचे पर खर्च होंगे। टैक्स जाल को हटाकर एक टैक्स की व्यवस्था जीएसटी लागू की गई है। इंसॉल्वेंसी और बैंकरप्शी कोड बनाया गया है। हर नागरिक को बैंक खाते दिए गए हैं, जिससे पारदर्शिता बढ़ी है। आर्थिक सुधारों की वजह से भारत की वैश्विक रैंकिंग बढ़ी है। भारत में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश तेजी से बढ़ा है और बीते 5 सालों में भारत में 286 बिलियन प्रत्यक्ष विदेशी निवेश हुआ है, जो बीते 20 साल में भारत के कुल FDI का आधा है। प्रधानमंत्री ने कारोबारियों को भरोसा दिलाया कि भारत के साथ काम करके वो सफलता की नई कहानी लिख सकते हैं। Your desires and our dreams match perfectly. Your technology and our talent can change the world. Your scale and our skills can speed up global economic growth. Your prudent method and our pragmatic mind can write new stories in management. प्रधानमंत्री ने कहा कि आज भारत के विकास गाथा के 4 अहम तत्व हैं, जो एक साथ दुनिया में मिलने मुश्किल हैं। ये 4D हैं: डेमोक्रेसी, डिमांड, डेमोग्राफी, डिसाइसिवनेस। प्रधानमंत्री ने अपनी सरकार के कामों को गिनाकर दुनिया के कारोबारियों को निवेश का न्योता दिया, बल्कि उन्हें भरोसा दिया कि वो खुद उनकी समस्याओं को देखेंगे। अयोध्या मामले में सुनवाई के दौरान CJI रंजन गोगोई ने एक बार फिर कहा है कि 18 अक्टूबर तक सुनवाई खत्म होना जरूरी है। उन्होंने कहा कि अगर 4 हफ्ते में हमने फैसला दे दिया तो ये एक चमत्कार की तरह होगा, लेकिन अगर सुनवाई 18 अक्टूबर तक खत्म नहीं हुई तो फैसला संभव नहीं हो पाएगा। साथ ही मुख्य न्यायाधीश ने कहा कि आज का दिन मिलाकर 18 अक्टूबर तक हमारे पास 10.5 दिन है। CJI रंजन गोगोई ने कहा कि 18 अक्टूबर के बाद एक भी दिन अतिरिक्त नहीं है, इसलिए पक्षकार इसी समय सीमा में सुनवाई पूरी करें। अभी तक 31 दिनों की सुनवाई शीर्ष अदालत में हो चुकी है।
प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रदेश की महिलाओं के लिए बड़ी घोषणा की है। उन्होंने कहा कि 3 तलाक से पीड़ित महिलाओं को 6,000 रुपये सालाना सहायता देने का कार्य प्रदेश सरकार द्वारा किया जाएगा। मुख्यमंत्री ने कल लखनऊ के इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में 3 तलाक से प्रभावित महिलाओं से संवाद किया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने प्रधानमंत्री जन विकास कार्यक्रम के अंतर्गत विभिन्न परियोजनाओं का लोकार्पण एवं शिलान्यास किया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि गलत तरह से दूसरी शादी करने वाले हिंदू पुरुषों को भी दंडित किया जाएगा। इस दौरान मुख्यमंत्री ने पीड़ित महिलाओं से बात भी की और उन्हें शीघ्र न्याय दिलाने का आश्वासन दिया। सदियों से चली आ रही एक कुप्रथा, तलाक की कुप्रथा पर जोरदार प्रहार करके सदैव के लिए इसे समाप्त करने के लिए संसद में कानून बनाया है। प्रधानमंत्री मोदी जी ही ये संभव कर सकते थे और बिना किसी राग द्वेष के नारी गरिमा का सम्मान करते हुए उनके सशक्तिकरण के लिए उन्होंने एक कदम उठाया। मैं उनका हृदय से आभार व्यक्त करता हूं, हृदय से अभिनंदन करता हूं। मैं अभिनंदन करता हूं उन बहनों का जिन्होंने 3 तलाक के खिलाफ एक लंबी लड़ाई लड़ी। बहुत कठिन होता है, पहले तो वैसे भी महिलाओं के लिए बहुत कठिन होता है घर से बाहर किसी लड़ाई को लड़ना और फिर मुस्लिम समाज में जहां बंदिशें बहुत ज्यादा हैं, बंधन बहुत ज्यादा हैं, वहां पर कोई बहन न केवल अपने सम्मान के लिए बल्कि पूरी नारी जाति के गरिमा और गौरव के लिए लड़ाई लड़े और उस पर विजय प्राप्त करें, ये बहुत बड़ी बात है। मैं इसलिए उनका हृदय से अभिनंदन करता हूं। वाराणसी के काशी हिंदू विश्वविद्यालय के स्वतंत्रता भवन में कश्मीर से अनुच्छेद 370 एवं 35A की समाप्ति पर परिचर्चा हेतु भाजपा एवं काशी मंथन संस्था के संयुक्त तत्वावधान में एक संगोष्ठी का आयोजन किया गया, जिसमें भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता संबित पात्रा एवं लेफ्टिनेंट जनरल सैयद अता हसनैन ने मुख्य वक्ता के रूप में भाग लिया। सैयद अता हसनैन ने जहां प्रेजेंटेशन के माध्यम से बताया कि धारा 370 हटने के बाद भारत को इसका कितना फायदा होगा, वहीं उन्होंने कश्मीर में बंद मोबाइल सेवाओं पर कहा कि अगर वहां सेवाएं चालू रहती तो शायद इससे बड़ी हानि हो सकती थी, लेकिन कश्मीर में धीरे धीरे समय के साथ सब सामान्य हो जाएगा। वहीं भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता संबित पात्रा ने कहा कि वाराणसी के सांसद और देश के प्रधानमंत्री ने धारा 370 व 35A को हटाने के लिए एक मजबूत राजनीतिक इच्छा शक्ति और राजनीतिक साहस की जरूरत थी, जिसे हमारे प्रधानमंत्री और गृह मंत्री ने दिखाकर एक झटके में 70 साल से चल रहे इस समस्या का अंत कर दिया। पॉलिटिकल विल एंड काइंड, राजनीतिक इच्छा शक्ति और राजनीतिक साहस जो हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी और हमारे गृहमंत्री श्री अमित शाह जी ने दिखाया। आप अधिक विश्वास रखिए कि जम्मू कश्मीर हमारा था, है, रहेगा। बरेली राजकीय बालिका इंटर कॉलेज की एनएसएस इकाई की छात्रा रही प्रिया आर्या को एनएसएस का सर्वोच्च सम्मान मिला है। प्रिया को राष्ट्रपति भवन में राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने सम्मानित किया। राष्ट्रपति से सम्मानित होने के बाद प्रिया आर्या बरेली पहुंची। बरेली पहुंचने पर DGIC स्कूल में प्रिया आर्या का जोरदार स्वागत किया गया और सम्मान यात्रा निकाली गई। इस मौके पर उनके पिता महेश राम ने कहा कि बेटी को जो सम्मान मिला है उससे उनका सीना गर्व से चौड़ा हो गया है। वहीं प्रिया आर्या की माँ गंगा देवी ने कहा
कि उन्हें एनएसएस के बारे में नहीं पता था, लेकिन बेटी ने जब इसे ज्वाइन करने की इच्छा जताई तो उन्होंने हामी भर दी और अब एनएसएस की वजह से ही बेटी को ये सम्मान मिला। आज मेरी जो फीलिंग्स हैं वो मैं अपने शब्दों में एक्सप्रेस नहीं कर पा रही हूँ, क्योंकि राष्ट्रपति पुरस्कार पाना अपने आप में एक बहुत बड़ी चीज़ है, जैसे कि आप लोग समझ सकते हैं। और यहाँ तक पहुँचना, इस सम्मान तक पहुँचना, इसमें मैम ने जितना कंट्रीब्यूट किया, मैम ने जितना मुझे मार्गदर्शन दिया, उस मार्गदर्शन को भी, मतलब मैं शायद एक पूरी किताब लिख दूँ उसमें भी ना लिख पाऊँ पूरा। तो जब मेरा सम्मान किया जा रहा था राष्ट्रपति जी द्वारा, तो उस वक्त पे जो मेरी फीलिंग्स थी वो सच में, मतलब आउटस्टैंडिंग वाली फीलिंग आ रही थी अंदर से, कि खुद राष्ट्रपति जी के सामने मैं, हाँ, जिन्हें हम कभी अखबारों में या टीवियों में देखा करते थे, उनके सामने खुद हम सामने, और राष्ट्रपति भवन इतनी बड़ी जगह, वो बहुत ही अमेजिंग था। बहुत खुशी हो रही सर, बहुत ज़्यादा खुशी हो रही है। मेरी बेटी को पुरस्कार मिला है, खुशी का तो मैं बयान नहीं कर सकती हूँ, किस हद तक मेरे को खुशी हो रही है। इलाहाबाद हाईकोर्ट से सपा सांसद आजम खान को बड़ी राहत मिली है। रामपुर से सपा सांसद आजम खान की एफआईआर रद्द करने की मांग को लेकर याचिका को हाईकोर्ट ने रद्द करने की मांग ठुकरा दी है। हाईकोर्ट ने आजम के खिलाफ दर्ज 29 एफआईआर पर रोक लगाई। कोर्ट ने राज्य सरकार, डीएम व एसएसपी रामपुर से जवाब मांगा है। 24 अक्टूबर को मामले की अगली सुनवाई होगी। एफआईआर पर रोक के बाद इन मामलों में आजम खान की गिरफ्तारी नहीं होगी। आजम खान के खिलाफ 27 किसानों और एक रेवेन्यू इंस्पेक्टर ने रिपोर्ट दर्ज कराई थी। मौलाना जौहर यूनिवर्सिटी के लिए किसानों की जमीन कब्जाने का आरोप था। सेम एफआईआर में रेवेन्यू इंस्पेक्टर ने 5 गाटा संख्या पे एफआईआर की थी, जिसमें 2 गाटा संख्या वो यूनिवर्सिटी के बाहर थी और 3 गाटा संख्या वो यूनिवर्सिटी के अंदर थी। जो यूनिवर्सिटी के अंदर गाटा संख्या थी, उसमें जो ज़मीन हमको ज़रूरत थी उसकी हमने रजिस्ट्री किया और चेक से पेमेंट किया। उसमें एक सेक्शन 447 है, 447 क्लियर कर कहता है कि अगर क्रिमिनल ट्रेसपास हुआ है तो आप उसमें बगैर नोटिस दिए एफआईआर दर्ज नहीं कर सकते। इसको कोर्ट ने बहुत गंभीरता से लिया और ये आदेश दिया कि आप इसमें डिटेल काउंटर फाइल करें और 24 तारीख की डेट निश्चित कर दी। 24 अक्टूबर की डेट निश्चित कर। भारत सरकार के सूचना व प्रसारण मंत्रालय के क्षेत्रीय लोक संपर्क ब्यूरो आजमगढ़ द्वारा पोषण अभियान के अंतर्गत विकासखंड में मेहनगर के मधुबन गुरेथा स्थित एक निजी विद्यालय में छात्राओं के बीच पोषण के महत्व विषय पर जागरूकता लाने के लिए समन्वित संचार एवं जनसंपर्क कार्यक्रम का आयोजन किया गया। सही पोषण देश रोशन के थीम पर आधारित इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में जिलाधिकारी एनपी सिंह, उप जिलाधिकारी अरविंद कुमार, क्षेत्रीय प्रचार अधिकारी तारिक अजीज उपस्थित रहे। कार्यक्रम में लोक संगीत के माध्यम से जागरूक करने के साथ ही प्रश्नोत्तरी कार्यक्रम के द्वारा श्रेष्ठ 25 प्रतिभागियों को पुरस्कृत किया गया। मेरा नाम रक्षिता सिंह है और सूचना प्रसारण मंत्रालय द्वारा हमारे यहाँ जो कार्यक्रम हुआ उसमें हम लोगों को बहुत सारी चीज़ों के, पोषण के बारे में और कुपोषण के बारे में, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के बारे में जो भी सीख मिली और हम लोगों ने क्वेश्चन बताया, हम लोग को अच्छा लगा बहुत। विषय है भारत सरकार से निर्देशित सूचना मंत्रालय का एक कार्यक्रम था इस विद्यालय में, और जो बहुत ही सराहनीय कदम है, योजनाओं के बारे में लोगों को जानकारी देना और जागरूकता पैदा करना ही सुशासन और भ्रष्टाचार रहित समाज में क्रियान्वयन के लिए एक अनिवार्य शर्त है, उस दिशा में एक अच्छी पहल है, इसके लिए मैं स्वागत हूँ। केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने टीबी हारेगा देश जीतेगा इस अभियान की शुरुआत की। उन्होंने टीबी से लड़ाई में बेहतरीन काम करने वाले राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को भी सम्मानित किया। इसके साथ उन्होंने भारत तपेदिक रिपोर्ट यानी टीबी रिपोर्ट 2019 को भी जारी किया। केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने टीबी हारेगा देश जीतेगा अभियान की शुरुआत की। इस अवसर पर राष्ट्रीय टीबी प्रिवेलेंस सर्वे वैन को भी हरी झंडी दिखाई गई। सरकार की योजना में सबको पूरी की पूरी दवाई का की उपलब्धता कराने का काम इस हमारे प्रोग्राम में टीबी हारेगा
देश जीतेगा, हमने व्यवस्था कर दी है। हम चाहते हैं कि सारा देश एक बार इस कैंपेन में लग जाए। अगर भारत चेचक और पोलियो जैसी बीमारी को जड़ से समाप्त कर सकता है तो वो फिर टीवी को भी जो है हरा सकता है, इसमें हमें कोई संदेह नहीं। इस अवसर पर केंद्रीय मंत्री ने भारत तपेदिक रिपोर्ट 2019 को भी जारी किया, जिसमें टीबी के रोकथाम से जुड़ी देशव्यापी गतिविधियों की स्थिति को प्रकाशित किया जाता है। रिपोर्ट में टीबी की नोटिफिकेशन दर बताती है कि 2018 में टीबी जागरूकता की पहल के कारण 21.5 लाख टीबी के मामलों को नोटिफाई किया गया। राष्ट्रीय रणनीतिक योजना निजी क्षेत्र के साथ मिलकर काम कर रही है, जिससे 25% टीबी के मामले निजी क्षेत्रों से सूचित किए जा रहे हैं। 2017 में नोटिफाई किए गए 79% मरीज टीबी का इलाज सफलतापूर्वक करा चुके हैं। 49,733 मामले एक्टिव केस फाइंडिंग अभियान के तहत ढूंढे गए। निक्षय पोषण योजना की राशि सीधे मरीजों के खातों में दी जा रही है, जिससे मरीजों को पोषण की सहायता दी जा रही है। सेवाओं के विस्तार के संबंध में 19 लाख मरीज फिक्स डोज कॉम्बिनेशन पर हैं, जो उन्हें मुफ्त उपलब्ध है। टीबी से होने वाली मौतों में 2010 के मुकाबले 82% की कमी आई है। तपेदिक को हराने की लड़ाई में अच्छा प्रदर्शन करने वाले राज्यों में 50 लाख से ज्यादा आबादी के राज्यों की श्रेणी में गुजरात और हिमाचल प्रदेश को सम्मानित किया गया, 50 लाख से कम आबादी की श्रेणी में सिक्किम और त्रिपुरा को, और केंद्र शासित प्रदेशों में दामन दीव और पुदुचेरी को सम्मानित किया गया। विज्ञान के प्रति नन्हे बच्चों में अलग जगाने के लिए जालौन के डीएम मन्नान अख्तर द्वारा चलाई जा रही प्रतियोगिता नन्हा कलाम को विश्व रिकॉर्ड का दर्जा मिला है। बुधवार को संपन्न हुई इस परीक्षा में जिले के 82,000 छात्रों ने प्रतिभाग किया, जिसके बाद यूनिक वर्ल्ड रिकॉर्ड की टीम ने विभिन्न स्कूलों में जाकर प्रतियोगिता का सर्वेक्षण किया। इस प्रतियोगिता को विश्व रिकॉर्ड का दर्जा दिया। टीम के सदस्यों ने एक कार्यक्रम के दौरान डीएम को यूनिक वर्ल्ड रिकॉर्ड का प्रमाण पत्र भी सौंपा। इससे पहले किसी भी इनोवेटिव कम्पिटेटिव प्रतियोगिता में शामिल बच्चों का रिकॉर्ड 50,000 था, जिसे जालौन जिले के छात्रों द्वारा तोड़ा गया है। बता दें कि जालौन में डीएम मन्नान अख्तर ने छात्रों में विज्ञान के प्रति रुचि पैदा करने के लिए बेसिक शिक्षा विभाग की मदद से नन्हा कलाम नाम से एक प्रतियोगिता का आयोजन किया था। वर्ष 2018 में प्रथम चरण की इस परीक्षा में जिले के 40,000 से अधिक छात्रों ने प्रतिभाग किया था, जिसमें चयनित छात्रों को राष्ट्रीय स्तर पर आयोजित विज्ञान की प्रतियोगिताओं में प्रतिभाग करने का मौका मिला था। सिंगल यूज प्लास्टिक के खिलाफ देश भर में 2 अक्टूबर से शुरू होने वाले अभियान का साथ देने के लिए मुरादाबाद के दुकानदारों ने अपना मन बना लिया है। दुकानदारों ने इस अभियान की सफलता के लिए अपनी दुकानों से सिंगल यूज प्लास्टिक को बाय बाय कर दिया है। वहीं सभी चाय बेचने वाले चाय वालों ने तो अपनी दुकानों से प्लास्टिक के कप ग्लास कटोरी को हटाकर कुम्हारों के द्वारा बनाए जाने वाले मिट्टी के कुल्हड़ और गिलास से अपनी दुकानों को सजा लिया है। साथ ही अपने ग्राहकों को मिट्टी के कप और गिलास में चाय तथा जूस परोस रहे हैं। अब शीशे गिलास हैं और कुल्हड़ हैं मिट्टी वाले, उसे इस्तेमाल कर रहे हैं। प्लास्टिक में बीमारी फैल रही है, उसकी वजह से सरकार ने जो निर्णय लिया है बहुत अच्छा लिया है। पब्लिक के फायदे जी, हमने तो प्लास्टिक से बंद कर रखी है और कुछ आदमी कागज का भी इस्तेमाल कम कर रहे हैं। मतलब कुल्हड़ इतना ज्यादा चल रहे हैं आजकल, पूरे चाय ज्यादा पसंद आ रही कुल्हड़ में। उत्तर प्रदेश के एटा जिले के अवागढ़ थाना क्षेत्र स्थित नरौरा गांव के पूर्व प्रधान को शौचालय निर्माण में गबन के आरोप में गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया। प्रधान पर 2 लाख रुपए के गबन का आरोप था। आरोप की जांच में मामला सही पाया गया, दोषी पाए जाने पर कार्रवाई की गई है। जिलाधिकारी सुखलाल भारती ने बताया कि जल्द ही सचिव के खिलाफ भी कार्रवाई करते हुए गिरफ्तारी कराई जाएगी। करीब 78 और ग्राम प्रधानों की जाँच चल रही है। जाँच रिपोर्ट आने के बाद उन सभी पर कार्रवाई की जाएगी। बहुत शिकायतें मिल रही थी पूर्व प्रधान की कि उन्होंने शौचालय बनाने के लिए 7,49,000 रुपये निकाले थे जी। लेकिन उन्होंने पैसे निकाल करके बहुत सारे लोगों के शौचालय नहीं बनाया। उस प्रकार से उन्होंने 1,97,000 रुपये का गबन किया है। उन पूर्व प्रधान शिशुपाल सिंह यादव ने और सेक्रेटरी नरेश चंद ने, ये दोनों ने मिलकर के इतना गबन किया था। इनके विरुद्ध जो है जाँच करा करके और इनके विरुद्ध FIR दर्ज कराई गई और प्रधान को जेल भेज दिया गया है। प्रसिद्ध ऐतिहासिक राम बारात शोभा यात्रा कड़ी सुरक्षा के बीच बुधवार की देर शाम को आगरा में निकाली गई। बारात शोभा यात्रा का शुभारंभ समाज कल्याण राज्य मंत्री डॉक्टर GS धर्मेश, सांसद SP सिंह बघेल द्वारा भगवान श्री राम लक्ष्मण के स्वरूपों की आरती कर किया गया।
बैंड बाजों के साथ भगवान श्री राम लक्ष्मण के स्वरूप रथ पर विराजमान होकर सीता से व्यवहार रचाने के लिए निकले बारात शोभा यात्रा में जहां भगवान श्री राम पर आधारित झांकियों लोगों को आकर्षण का केंद्र रही, वहीं अनुच्छेद 370 बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, स्वच्छता और पर्यावरण का संदेश देने वालों की झांकियां सहित 130 झांकियां निकाली गईं। श्री रामचंद्र की यह बारात शोभा यात्रा मनकामेश्वर मंदिर से शुरू होकर शहर के विभिन्न मार्गों से होती हुई आज शाम निर्भय नगर क्षेत्र में सजी विशाल भव्य जनकपुरी पहुंचेगी। इसी के साथ आज से 2 दिवसीय जनकपुरी महोत्सव शुरू होगा। मर्यादा पुरुषोत्तम। और अब अंत में प्रमुख समाचार एक बार फिर। भारत की पहल पर 15 कैरिकॉम देशों के नेताओं की न्यूयॉर्क में हुई बैठक, द्विपक्षीय और क्षेत्रीय संबंधों को और मजबूत करने पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जोर। अयोध्या मामले में मुख्य न्यायाधीश रंजन गोगोई ने कहा 18 अक्टूबर तक बहस खत्म करे पक्षकार, 18 अक्टूबर के बाद नहीं बढ़ाया जाएगी बहस का समय, बहस के बाद 4 सप्ताह लगेंगे फैसला लिखने। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 3 तलाक पीड़ित महिलाओं को सालाना 2,500 रुपए की आर्थिक सहायता देने की घोषणा की, कहा दूसरी शादी करने वाले हिंदू पुरुषों पर भी होगी कार्रवाई। केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री हर्षवर्धन ने टीबी हारेगा देश जीतेगा अभियान की शुरुआत की, कहा टीबी उल्लंघन के लिए बेहतर काम करने वाले राज्यों को किया जाएगा सम्मानित। और इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त होता है। नमस्कार।